फ्रेंड्स, आज एक ऐसा पीसी बताने वाला हूँ जो एक बजट आपका 40,000 से स्टार्टिंग होकर 80,000 तक कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं वो बताऊंगा। बेसिकली मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि आप 40,000-50,000 बजट के अंदर भैया एक पीसी बताइए। सो बेसिकली ये मैंने 40,000 के अंदर जो पीसी कॉन्फिगर किया है, जिसके अंदर H410 सीरीज का जो मदरबोर्ड यूज़ किया है, लेकिन वो 10th जनरेशन के लिए सपोर्टिव है, इसीलिए कस्टमर को थोड़ा सा बजट बढ़ा के हमने 11th जनरेशन दे दिया। इसके लिए H510 रिकमेंडेड मदरबोर्ड है। सो H510 सीरीज का मदरबोर्ड इंटेल कोर i5-11400F जो बजट इकोनॉमिकल प्रोसेसर है। अगर आप 40,000 बजट में लेओगे आपको 11400 आ जाएगा। अगर थोड़ा सा बजट आप हाई करोगे 11400F दे देंगे, क्योंकि हम ग्राफिक कार्ड के अंदर थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कराएंगे आपके। सो अगर आप ग्राफिक कार्ड नहीं लेना चाहते तो 11400, अगर आप ग्राफिक कार्ड लेना चाहते हो तो 11400F हम रिकमेंड करते हैं। रैम इसके अंदर मैंने 16GB यूज़ किया है, SSD मैंने 240GB SSD यूज़ किया, और एक अच्छा सा दिखने वाला MSI का न्यू बजट इकोनॉमिकल 111 केस यूज़ किया। उसके अंदर मैंने 3 फैन भी एडिशनली ऐड कर दिया, बैक एक एग्जॉस्ट फैन हो गया है। सो ये PC पूरा कॉन्फिगर विथ 650W का पावर सप्लाई तक का आपको 40,000 में आ जाता है। सो अगर आपका गेमिंग इंसेंटिव अगर है, मतलब गेम प्ले करना है, अगर थोड़ा सा बजट आप बढ़ाते हो, सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक ये वाला PC जो एक आपको 60,000 के अंदर हम पूरा बिल्ड करके देंगे 6500XT के साथ में। सो आप अगर 1080p का 4GB का DDR6 VRAM वाला ग्राफिक कार्ड ये है, इसमें 1080p के गेमिंग आप स्मूथली कर सकते हो, और मीडियम सेटिंग के अंदर आपको 100fps तक ये 6500XT खींच लेता है। अगर आप बजट थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हो, लाइक अगर आप आगे हो 60,000, मतलब 60,000 के ऊपर 10,000 और बढ़ा दो, तो हम देंगे आपको 3050 के साथ में। रिमेनिंग ऑल कंपोनेंट सेम रहेगा, क्योंकि आपका फीचर प्रूफ वाला PC मैंने दिया है, जिसके अंदर आप 3050 ग्राफिक कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, जो आपका बजट खींच लेगा ऑलमोस्ट 70,000 के अंदर। 70,000 के अंदर आपको हम 3050 के साथ में अल्ट्रा लेजेंड PC बनाएंगे। पूरा कॉन्फिगरेशन मैंने बता ही दिया था, सिर्फ ग्राफिक कार्ड स्वाइप अप हो रहा है। नेक्स्ट, अगर आपका बजट और 5,000 खींच लो 75,000 के अंदर, आपको हम देंगे 6600 ग्राफिक कार्ड। इसके अंदर और भी 5,000 खींच लो 6600XT ग्राफिक कार्ड देंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप 5,000 बजट बढ़ाते रहोगे तो ग्राफिक कार्ड के अंदर काफ़ी वेरिएंट है। सो इसी वीडियो के अंदर आपको मैंने 40,000 से स्टार्टिंग करके 80,000 के अंदर 4 PCs मैंने कॉन्फिगर बता दिया। रिमेनिंग आपका हार्डवेयर सेम रहेगा, क्योंकि आपका प्रोसेसर जो है फीचर प्रूफ वाला है। फीचर प्रूफ क्या है, 12th जनरेशन 11th जनरेशन आप लेना चाहते हो, 11th जनरेशन का प्रोसेसर है। अगर आपको 12th जनरेशन भी खरीदना है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5,000 रुपये और आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मीन्स आपको 6 PC का कॉन्फिगरेशन बता दियो इन ए शॉर्ट टाइम ऑफ 5 मिनट्स के अंदर। सो ये PC स्पेशली मैंने कस्टमाइज किया है यश सर के लिए। सो हाय सर, कैसे हो? अच्छा हूँ मैं। हाँ सर, आपको मेरा स्टोर के बारे में कैसे पता चला? मैंने आपके YouTube वीडियोज ही देखे थे, तो मुझे उधर से ही पता चला था। ठीक है, हम जो काम कर रहे हैं YouTube पे, ज़्यादा हम वीडियो एडिट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली पोस्ट कर रहे हैं, ताकि कस्टमर्स को जल्द से जल्द हम वीडियोज़ पहुँचा सकें। सो हमारा वर्क आपको कैसे लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा। मतलब लाइक YouTube वीडियोज़ भी थे, वो काफ़ी रॉ ऐसे जो एक्चुअल जो स्टोर है वही दिखा रहे, तो और कस्टमर एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है इधर। तो मतलब लाइक पूरा PC इन लोगों ने मुझे अच्छे से बिल्ड करके दिया है, लाइक विंडोज सब सेटअप करके दिया है, तो लाइक इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच सर। सो यस सर, फुल्ली सेटिस्फाइड है। अगर आपको भी सेटिस्फेक्शन चाहिए हमारा PC बिल से, आप हमारा स्टोर विजिट कर सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। लेकिन एक वीडियो एंड करने से पहले काम कर लेना, प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, आगे से आगे शेयर करते ही रहना। थैंक यू सो मच।